अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। महंगे खाद्य तेल ने लोगों के बजट पर असर डाला है। एक सर्वे में शामिल करीब 24% परिवारों ने कहा है कि खुदरा दरें बढ़ने से उन्हें खाद्य तेल की खपत घटाने पर बाध्य होना पड़ा है। वहीं 29% ने कहा कि उन्होंने खाद्य तेल का स्तर घटाया है और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण तेल के सस्ते विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सर्वे में देश के 359 जिलों के करीब 36,000 ग्राहकों से राय ली गई। इसमें यह भी पाया गया कि प्रतिक्रिया देने वाले 77% लोगों ने खाद्य तेल के दाम ज़्यादा होने की वजह से अन्य क्षेत्रों में व्यय कम किया है जिससे तेल खरीद सकें। एक सर्वे में शामिल लोगों में 63% पुरुष और 37% महिलाएं थीं। वैश्विक बाजारों में खाद्य तेल की कीमत ज़्यादा होने की वजह से पिछले कई महीनों में सभी किस्म के खाद्य तेल की कीमत में तेजी आई है। भारत अपने कुल खाद्य तेल की खपत का 55-60% आयात करता है क्योंकि घरेलू तिलहन उत्पादन कम है और अंतर्राष्ट्रीय दाम बहुत ज़्यादा होने से इस पर असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के दाम काबू में लाने के लिए धीरे धीरे कच्चे तेल पर आयात शुल्क करीब शून्य कर दिया है। वहीं रिफाइंड तेलों के मामले में कर बहुत मामूली है। इन कदमों से नवंबर 2021 से खाद्य तेल के दाम कम होने लगे, लेकिन रूस यूक्रेन संकट के साथ प्रमुख खाद्य तेल उत्पादक देशों जैसे इंडोनेशिया से निर्यात कम होने के कारण एक बार फिर फरवरी 2022 से खाद्य तेल की कीमत बढ़ रही है। भारत में आयातित सूरजमुखी के तेल में 80% से ज़्यादा करीब 25 से 27 लाख टन आयात रूस और यूक्रेन से होता है। उपभोक्ता मामलों के विभाग से मिले हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक ज़्यादातर खाद्य तेलों के दाम अपने शीर्ष स्तर से कम हुए हैं, लेकिन कीमत अभी भी पिछले साल की समान अवधि की तुलना में ज्यादा ही है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।